करौली क्षेत्र में बकरी चराने की मना करने को लेकर हुए विवाद में एक महिला और उसकी बहन के साथ मारपीट की गई, जिससे घायल होकर पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाने के लिए एसपी का दरवाजा खटखटाया है। आइए आप भी देखिए। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह महिला है जो कि कुरावली क्षेत्र के ग्राम रुस्तमपुर निवासी कांति देवी पत्नी अवनीश कुमार है। पीड़ित महिला ने बताया है कि उसकी छोटी बहन ममता भी उसके पास ही रहती थी, जो बकरी चराने के लिए खेतों पर गई हुई थी। तभी गांव के कुछ दबंगों की ओर से उसके साथ अभद्रता की गई और गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं बल्कि जब अपनी बहन को बचाने के लिए पीड़ित महिला पहुंची तो उसके साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई। पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाने के लिए थाने पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसकी वहां कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। यहां उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से न्याय की गुहार लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है।